नमस्कार दोस्तों, 12 अक्टूबर साल 1972 साउथ अमेरिका के यूरुग्वाई देश से एक छोटा सा चार्टर्ड हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। यह हवाई जहाज जा रहा है चिली देश की राजधानी सांटियागो में और इसमें बैठे हैं कुछ हट्टे कट्टे रग्बी टीम के प्लेयर्स। टोटल में 45 पैसेंजर्स हैं तो इन प्लेयर्स के कुछ फैमिली और फ्रेंड्स भी साथ में आए हुए हैं। ये उड़ान कोई ज्यादा लंबी नहीं होनी थी। आमतौर पर यूरुग्वाई से सांटियागो जाने में सिर्फ 3 घंटे का ही समय लगता है, लेकिन रास्ते में बीच में आती हैं विशाल एंडीज की पहाड़ियां। साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां भी यही पाई जाती हैं। यही सुंदर पहाड़ियां हमारी कहानी में इन पैसेंजर्स के लिए एक भयानक मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती है। 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ियों में तूफान आता है जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता। पायलट्स डिसाइड करते हैं कि वो रास्ते में ही रुक जाएंगे और अगले दिन दोबारा से उड़ने की कोशिश करेंगे। अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में प्लेन को रात के लिए लैंड करा दिया जाता है। अगला दिन 13 अक्टूबर ये विमान दोबारा से टेक ऑफ करता है दोपहर के 2:18 पर। पायलट्स ने देखा था कि मौसम साफ हो गया है तो अगले 1 घंटे तक सफर काफी सुहाना रहता है। 3:21 पायलट्स प्लेन को डिसेंड कराने लगते हैं। ये प्लेन सांटियागो के काफी करीब पहुंच रहा था लेकिन अभी भी पहाड़ियों में ही था क्योंकि इस शहर के बगल में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। नीचे उतरते समय अचानक से भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलती है। प्लेन बहुत तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगता है। इसी समय आसपास बहुत सारे बादल आ जाते हैं। चारों तरफ बादल ही बादल, कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक से प्लेन में अलार्म्स बजने लगते हैं और वार्निंग लाइट्स भी चमकने लगती हैं। किसी को समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। पैसेंजर सीट्स में बैठे कुछ रग्बी प्लेयर्स बड़े निडर हैं, वो मजाक बनाते हैं इस टर्बुलेंस का। इन्हीं जोक्स के बीच एक पैसेंजर खिड़की के बाहर देखता है तो उसे दिखता है कि बादल धीरे धीरे हटने लग रहे हैं, लेकिन फिर दिखता है कि पहाड़ी बहुत नजदीक है। जैसे ही हवाई जहाज बादलों से बाहर निकलता है, पायलट्स रियलाइज करते हैं कि उनके सामने बहुत करीब एक बहुत बड़ी चट्टान है। इमीडिएटली पैनिक में आकर वो प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। एयरक्राफ्ट का ग्राउंड कोलिजन अलार्म बड़ी तेजी से बज रहा है। पायलट्स मैक्सिमम पावर लगा देते हैं ऑल्टीट्यूड गेन करने के लिए, उस पहाड़ी के ऊपर से बचकर निकलने के लिए, लेकिन अफसोस अब तक बहुत लेट हो चुका था। हवाई जहाज का पीछे का हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है ऊपर जाते वक्त। प्लेन का जो पूरा रियर पोर्शन था वो अलग हो जाता है। पीछे की जो 2 सीटों की रो थी वो प्लेन से लिटरली हवा में बाहर उड़ जाती है। 3 पैसेंजर्स इसके साथ उड़कर हवा में गायब हो गए। कुछ और सेकंड तक ये प्लेन ऊपर जाते रहता है और फिर अचानक से ये नीचे गिरने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद एक और कोलिजन, प्लेन का लेफ्ट विंग भी टूट जाता है। कुछ और पैसेंजर्स प्लेन से बाहर उड़कर नीचे गिर जाते हैं और अब प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन बचा था जो सीधा जाकर एक ग्लेशियर में गिरता है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये इस ग्लेशियर पे स्लाइड करता रहता है और 700 मीटर नीचे आकर फाइनली एक लास्ट टकराव होता है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो गया। जो पैसेंजर सीटें थी वो प्लेन के बेस से फटकर बाहर आ जाती हैं। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरीके से क्रश हो जाता है और 2 पायलट्स इमीडिएटली मारे जाते हैं। यह हवाई जहाज अब एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पे 3,570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि प्लेन में बैठे 45 लोगों में से 33 लोग अभी भी जिंदा हैं। ये इस क्रैश को सरवाइव कर गए हैं किसी तरीके से। बस प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कई लोग जख्मी हैं और कोई नहीं जानता कि ये कहां पर अटके खड़े हैं। पता चलता है कि ये प्लेन अपने प्लान्ड रूट से 80 किलोमीटर भटक चुका था और ये सर्वाइवल की दर्दनाक कहानी तो बस अभी शुरू हुई है दोस्तों। ना तो वो लोग उस वक्त इमेजिन कर सकते थे, ना ही आप लोग इस वक्त इमेजिन कर सकते हो कि इन सर्वाइवर्स के साथ आगे हुआ क्या। ये है दिल दहला देने वाली कहानी यूरुग्वायन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों। Old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the miracle of the Andes. इस क्रैश के एकदम बाद 2 सर्वाइवर्स ऐसे थे जिन्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंची थी।
पहले 19 साल के रॉबर्टो कैनेसा और दूसरे 20 साल के गुस्तावो ज़र्बिनो। ये दोनों लड़के मेडिकल स्टूडेंट्स भी थे, तो तुरंत ये काम पर लग जाते हैं ये देखने के लिए कि कौन कौन जिंदा बचा है और कैसे घायल लोगों की मदद करी जा सकती है। ये देखते हैं कि कई पैसेंजर्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत सिवियर इंजरीज हो रखी हैं। इनमें से एक पैसेंजर है 23 साल का फर्नांडो पराडो, जो स्कल फ्रैक्चर की वजह से अब कोमा में है। जितना इनसे हो सकता था, ये दो मेडिकल स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं बचे हुए सर्वाइवर्स की मदद करने की। दूसरी तरफ, इस प्लेन के गायब होने के एक घंटे के अंदर अंदर ही चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। 4 हवाई जहाज तैनात किए जाते हैं सर्वाइवर्स को सर्च करने के लिए। शाम से लेकर रात तक ये क्रैश साइट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें कुछ नहीं मिल पाता। रेस्क्यू सर्विस के ऑफिसर्स रेडियो ट्रांसमिशन को सुनकर कंक्लूड करते हैं कि एयरक्राफ्ट बहुत ही रिमोट और इनएक्सेसिबल जगह में जाकर क्रैश किया होगा। प्रॉब्लम ये थी कि ये हवाई जहाज व्हाइट कलर का था और ये एक ऐसी जगह पर क्रैश किया था जहां चारों तरफ व्हाइट स्नो और आइस मौजूद थी। बर्फीली पहाड़ियों में इसे ढूंढ पाना बहुत बहुत मुश्किल काम था। 13 अक्टूबर की रात बचे हुए पैसेंजर्स बड़े होपफुल थे। उन्हें उम्मीद थी कि बस किसी तरीके से वो एक रात यहां गुजार लें, ठंड से बचने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ले, अगले दिन उन्हें कोई ना कोई तो ढूंढ ही लेगा। उस बर्फीली रात को 5 घायल पैसेंजर्स सर्वाइव नहीं कर पाते। सर्वाइवर्स का नंबर अब 33 से नीचे होकर 28 पर आ गया है। इन जिंदा बचे लोगों ने प्लेन की बची कुची बॉडी को इस्तेमाल किया शेल्टर के तौर पर। लगेज का सामान, सीटें और बर्फ का ये इस्तेमाल करते हैं प्लेन के पीछे के हिस्से को क्लोज करने के लिए, ताकि अंदर ये गर्म रह सके। अगला दिन 14 अक्टूबर, अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वे के देश से 11 अलग अलग हवाई जहाज सर्च ऑपरेशन में लगते हैं। इन्होंने जो सर्च एरिया चूज किया था वो सही था। उसी सर्च एरिया के अंदर इस क्रैश साइट की लोकेशन भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो इस क्रैश साइट को ढूंढ नहीं पा रहे थे। सर्वाइवर्स ट्राई करते हैं कि वो लिपस्टिक का इस्तेमाल करें प्लेन की छत पर SOS लिखने के लिए। वो S लिखना शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही रियलाइज कर लेते हैं कि उनके पास इतनी लिपस्टिक नहीं है कि वो सारे लेटर्स लिख पाए। फिर वो कोशिश करते हैं कि बर्फ में सूटकेसेस का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया जाए, ताकि सर्च एयरक्राफ्ट जो ऊपर घूम रहे हैं वो उन्हें देख लेंगे। लेकिन जल्द ही ये रियलाइज कर लेते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है। उस दिन इन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 हवाई जहाज अपने ऊपर से उड़ते हुए दिखते हैं। ये चिल्लाकर, हाथ फेर कर अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो हवाई जहाज इन्हें नोटिस कर लें, लेकिन वो कर नहीं पाते। एक और दिन इसी कोशिश में गुजर जाता है। अगला दिन 15 अक्टूबर, बचे हुए लोग रियलाइज करते हैं कि उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। एक पैसेंजर फीटो श्रॉच नाम से पानी निकालने का तरीका ढूंढ लेते हैं। वो एक मेटल की शीट का इस्तेमाल करते हैं सोलर कलेक्टर के तौर पर, जिससे कि धूप को कॉन्सेंट्रेट करके बर्फ को मेल्ट किया जा सके, और वो बूंद बूंद पानी कलेक्ट करते हैं खाली वाइन बॉटलों में। इसके साथ साथ कई पैसेंजर्स सीट पर जो लगी गद्दियां थी उन्हें स्नो शूज की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं, और सीट कवर्स में मौजूद वूल को भी इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला दिन 16 अक्टूबर, क्रैश के 3 दिन बाद फर्नांडो पराडो जाग उठते हैं अपने कोमा से। जैसे ही उन्हें होश आता है, उन्हें दिखता है कि उनकी माँ क्रैश में मारी जा चुकी है और उनकी 19 साल की बहन बहुत सिवियरली इंजर्ड है। पराडो अपनी बहन को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करते हैं, उनके लिए खाना पानी लेकर आते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन जैसे बीतता गया, क्रैश के 8 दिन बाद उनकी बहन भी गुजर जाती हैं अपनी इंजरीज के चलते। ऐसे हादसे हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है, कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। हम नहीं जानते कि कितनी लंबी उम्र हम जिएंगे असलियत। इसलिए कहा जाता है, लिव एवरी मोमेंट। अपनी जिंदगी में हर दिन, हर पल खुलकर जियो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि ये कैसे किया जाए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। काम काज की टेंशन में कैसे अपनी मनपसंद चीजों के लिए टाइम निकाला जाए। एग्जैक्टली इसी चीज को मैंने समझाया है दोस्तों अपने टाइम मैनेजमेंट कोर्स में। इस कोर्स में मैंने स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स बताई हैं कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को दुगना करने के साथ साथ अपनी हैप्पीनेस को भी दुगना कर सकते हो। वही ट्रिक्स जिनका मैं खुद अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करता हूं, जिसकी वजह से मैं इतने सारे वीडियोस बना पाता हूं दुनिया घूमते घूमते। ये कोर्स अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो जरूर ट्राई करके देखिए, क्योंकि जितने भी लोगों ने कोर्स लिया है उन सबको बहुत ही लाइफ चेंजिंग लगा है। स्क्रीन पर कुछ लोगों के रिव्यूज देख सकते हैं, और आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट देना चाहूंगा इस वीडियो के लिए। आप में से पहले 400 लोग जो कूपन कोड LOST40 इस्तेमाल करेंगे उन्हें 40% ऑफ मिलेगा इस कोर्स पर। लिंक इसका नीचे
डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगा, नहीं तो आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं इस कोर्स के लिंक पर जाने के लिए। तो जरूर जाकर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मुझे सही में लगता है ये कोर्स आपकी जिंदगी बदल सकता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, पूरा कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। इनमें से ज्यादातर पैसेंजर्स ऐसे लोग थे जो समुद्र के किनारे रहते थे। इससे पहले इन्होंने कभी बर्फ भी नहीं देखी थी, और अब अचानक से -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर बिना प्रॉपर खाना और पानी के ये यहाँ किसी तरीके से सर्वाइव कर रहे थे। इन बुरी परिस्थितियों में एक और भी प्रॉब्लम थी, स्नो ब्लाइंडनेस की। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस पहाड़ियों पर मौजूद बर्फ और स्नो में रिफ्लेक्ट करती हैं, तो उससे आपकी आंखें भी डैमेज हो सकती हैं। इसे स्नो ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इन सर्वाइवर्स के पास टोटल में सिर्फ 3 pairs थे सनग्लासेस के। 21 अक्टूबर क्रैश के 8 दिन बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स अपने हाथ खड़े कर देती हैं। उन्हें लगता है कि 8 दिन में किसी सर्वाइवर का कुछ अता पता नहीं मिला, तो कोई फायदा नहीं अब इस सर्च ऑपरेशन को कंटिन्यू रखने का। बहुत कम चांस है कि इतने दिनों बाद कोई वैसे भी जिंदा बचा होगा। तो 142 hours ऑफ सर्च ऑपरेशन के बाद ऑफिशियली इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। इसी बीच सर्वाइवर्स को एक ट्रांजिस्टर रेडियो पड़ा हुआ मिलता है हवाई जहाज की सीटों के बीच में। एक सर्वाइवर रग्बी प्लेयर रॉय हार्ली इलेक्ट्रॉनिक्स के एंथुजियास्ट भी थे, तो वो उस रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा लंबा सा एंटीना इम्प्रोवाइज करके बनाते हैं, और इनके एफर्ट्स की वजह से फाइनली ये रेडियो काम करने लगता है। इस रेडियो से सिर्फ 1-way कम्युनिकेशन हो सकता था। बाहर की चीजें ये सर्वाइवर्स सुन सकते थे, लेकिन खुद से कोई मैसेज बाहर नहीं पहुंचा सकते थे। ये रेडियो ऑन करते हैं क्रैश के 11 दिन के बाद, और तब इन्हें पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन कैंसिल किया जा चुका है। इन लोगों का दिल पूरी तरीके से बैठ जाता है। कुछ लोग रोने लगते हैं इस खबर को सुनने के बाद, कुछ लोग हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। Feeling that the world is alive and they consider you dead. फर्नांडो पराडो इकलौते थे जो ज्यादा रिएक्ट नहीं किए इस खबर को सुनने के बाद, क्योंकि उनके मन में कुछ और ही प्लान बन रहा था। 11वें दिन तक सर्वाइवर्स को खाने की सख्त कमी महसूस होने लगी। इनके पास वैसे भी ज्यादा खाना था नहीं शुरू में, सिर्फ 8 chocolate bars थे, एक टिन था मसल्स का, 3 छोटे jars थे जैम के, एक आलमंड्स का, एक बादाम का डब्बा था, कुछ डेट्स थी, कुछ कैंडीज, कुछ ड्राइड प्लम्स और वाइन की कुछ बॉटलें। क्रैश के कुछ दिन बाद ही इन्होंने इस सारे खाने को रैशन करना शुरू कर दिया था। हर दिन बहुत थोड़ा थोड़ा खाते थे। पराडो ने तो एक चॉकलेट कवर्ड मूंगफली को 3 दिन तक खाया, सिर्फ एक मूंगफली के दाने को। लेकिन इस हद तक रैशनिंग करना भी काफी नहीं था, क्योंकि खाना अब बिल्कुल खत्म होने लगा था। 3,800 meters की हाइट पर यहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं थे, ना ही कोई जानवर थे जिन्हें मारकर खाया जा सके। 11वें दिन तक खाना पूरी तरीके से खत्म था, और कुछ लोगों ने प्लेन्स के कुछ पार्ट्स को खाने की कोशिश करी, जैसे कि सीटों के अंदर लगे कॉटन को और सीटों पर लगे लेदर को खाने की कोशिश करी, लेकिन इससे वो और बीमार ही पड़ गए। ऐसी सिचुएशन में जब भूखे मरने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, तो इन सर्वाइवर्स ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मुर्दा बॉडीज को खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये फैसला लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोग जो मारे गए थे इस क्रैश में, वो दोस्त थे, क्लासमेट्स थे, फैमिली मेंबर्स थे या रिलेटिव्स थे। We have to eat, and the only proteins are the dead bodies of the people that were in this plane. ये आइडिया पहले कनेसा को आया, तो उसी ने ही पहले ट्राई किया ये सब करने की। कुछ लोगों ने खाने की कोशिश करी, लेकिन उनसे बिल्कुल हजम नहीं हुआ। उन्होंने उस वक्त मना कर दिया, लेकिन 2 दिन जब और गुजरे, जब और कोई ऑप्शन ही नहीं दिखा, तो फाइनली उन्होंने भी इंसानों के मीट को अपना खाना बनाया। 29 अक्टूबर क्रैश के 16 दिन बाद सर्वाइवर्स के लिए ये फूड सोर्स भी बड़ी तेजी से घटते जा रहा था। इनके पास आगे कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, कोई नहीं जानता था कि आगे क्या किया जाए। हालात इससे बदतर हो नहीं सकते थे, लेकिन फिर उस रात एक बहुत बड़ी गरजती हुई आवाज उन्हें सुनाई देती है। पता चलता है कि अचानक से एक एवलांच आ गया है। भारी बर्फ पहाड़ी के ऊपर से इतनी तेजी से गिरती है कि इस प्लेन के टुकड़े में पूरी तरीके से बर्फ भर जाती है। आठ लोग बर्फ के अंदर गुम होकर सांस की कमी की वजह से मारे जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ 19। Said Roberto, you had it. You are going to die. That's it.
a very nice sensation of heat between my legs because I was peeing on myself and saying that's it. ये बचे हुए 19 लोग भी बर्फ के अंदर एक छोटी सी स्पेस में दबे हुए हैं. पराडो एक मेटल पोल का इस्तेमाल करते हैं बर्फ के अंदर एक होल बनाने के लिए, जिससे कि कुछ वेंटिलेशन आ पाती है. दो दिन तक मेहनत करने के बाद खोद खोद कर ये एक टनल बनाते हैं उस बर्फ के अंदर से, और बड़ी मुश्किल से सरफेस पर बाहर निकल पाते हैं. बाहर निकलते ही अचानक से इन्हें दिखता है कि बर्फ का तूफान आ रहा है, और जिंदा रहने के लिए वापस उस बर्फ की गुफा में जाकर ही बैठना समझदारी होगी. अगले 3 दिन तक बचे हुए सर्वाइवर्स किसी तरीके से क्रैम्प्ड स्पेस में फंस कर बैठे रहते हैं. 3 दिन बाद ये वापस सरफेस पर जाते हैं जब मौसम साफ होता है, और बाहर निकलकर ये बचे कुछ लोग रियलाइज करते हैं कि इन्हें कोई बचाने आने वाला नहीं है. अगर इन्हें यहाँ पर जिंदा रहना है तो इन्हें एफर्ट खुद से करना पड़ेगा. यहाँ क्रैश साइट पर बैठे रहकर मदद की उम्मीद करने का कोई फायदा नहीं है. मरना ही है तो आखिरी दम तक कोशिश करके मरे. कनेसा, पराडो और विजेंटिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवर्स में से थे, तो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इन तीनों को थोड़ा ज्यादा खाने का राशन दिया जाए और सबसे गर्म कपड़े इन्हें दिए जाएं, क्योंकि ये लोग कोशिश करेंगे बाहर निकलकर पैदल चल के मदद ढूंढने की. सबसे पहला काम था लोकेशन का अंदाजा लगाना. क्रैश होने से पहले को पायलट ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इनके हवाई जहाज ने कुरिको शहर को पास कर दिया है. तो इन लोगों ने अंदाजा लगाया कि अगर हम वेस्ट साइड में कुछ किलोमीटर दूर चलेंगे तो हम जरूर चिली देश के कुछ कंट्री साइड के एरिया में पहुंच जाएंगे. लेकिन ये अंदाजा इनका बहुत बहुत गलत था. को पायलट को असल में खुद भी आइडिया नहीं था कि प्लेन वो कहां पर ले जा रहा है. असलियत में इनकी क्रैश साइट 89 किलोमीटर ईस्ट में थी, एंडीज पहाड़ियों के बीचों बीच. फिर भी इस बात से अनजान ये कुछ टाइम रेस्ट करते हैं एनर्जी बिल्डअप करने के लिए, और 15 नवंबर को 33 दिन क्रैश के बाद ये तीन लोग निकल पड़ते हैं मदद ढूंढने के लिए. घंटों तक ईस्ट की दिशा में चलने के बाद इन्हें अपने ही हवाई जहाज का पीछे का टुकड़ा गिरा हुआ मिलता है. ये वही हिस्सा था प्लेन का जो पहले ही टूट गया था. इसके अंदर इन्हें बहुत सारे सूटकेसेस मिलते हैं, चॉकलेट्स के बक्से, 3 मीट पैटीज, रम की एक बॉटल, एक्स्ट्रा कपड़े, कॉमिक बुक्स और थोड़ी बहुत दवाइयां भी. और इसके साथ ही साथ इन्हें मिलता है एयरक्राफ्ट का 2-वे रेडियो सिस्टम, एक ऐसा रेडियो जिससे ना सिर्फ इनकमिंग कम्युनिकेशन हो सकती है बल्कि बाहर भी मैसेज भेजा जा सकता है. ये डिसाइड करते हैं कि यहीं पर रात बिताई जाएगी. एक्सपेडिशन के अगले दिन ये थोड़ा बहुत और ईस्ट में चलते हैं, लेकिन बातचीत करने के बाद इन्हें लगता है कि ये जो एयरक्राफ्ट का रेडियो है इसे ही चालू करने की कोशिश करी जाए. क्यों ना हम हवाई जहाज से कुछ बैटरीज निकालने की कोशिश करें मेन बॉडी से, और फिर इस रेडियो को चालू करने की कोशिश करें, फिर हम बाहर अपनी SOS कॉल भेज सकते हैं. टेल के हिस्से में ही इन्हें 24 किलो की बैटरीज भी मिली, लेकिन ये बहुत ही भारी थी. इन्हें वापस से कैरी करके प्लेन की मेन बॉडी क्रैश साइट तक ले जाया नहीं जा सकता था. तो इन्होंने डिसाइड किया कि इसे यहीं से चालू करने की कोशिश करते हैं. वापस जाकर ये रॉय हार्ली की मदद लेते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी जानकारी थी, लेकिन अफसोस ये प्लान भी काम नहीं करना था. बात असल में ये थी कि एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम 115 वोल्ट AC में काम करता था, और जो बैटरी इनकी थी वो 24 वोल्ट DC की थी. इन्हें कनेक्ट करने का इनके पास कोई जरिया नहीं था. कुछ दिन तक ये पूरी कोशिश करते हैं रेडियो को चालू करने की, लेकिन जल्द ही रियलाइज कर लेते हैं कि कोई और रास्ता नहीं है. जिंदा बचना है तो वेस्ट की डायरेक्शन में पैदल चलना शुरू करना पड़ेगा. 11 दिसंबर क्रैश के 59 डेज बाद एक एवलांच आता है जिसमें 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते हैं. I was trapped completely by the snow in the avalanche, and he said the most deadly silence you may imagine. I couldn't move. बचते हैं अब सिर्फ 16. वेस्ट की डायरेक्शन में पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए इन्हें रात में सोने का कोई तरीका चाहिए था. -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में कैसे सर्वाइव किया जाए रात में. सर्वाइवर्स में एक 18 साल का लड़का था, कार्लोस मिगुएल रोड्रिग्वेस. उसे याद था कि उसकी मम्मी ने उसे नीडल से स्यू करना सिखाया था. वो अपने साथ अपनी नीडल्स और स्वइंग किट लेकर चला था. उसका आइडिया था कि अलग अलग कपड़ों को हम साथ में स्टिच कर दें और एक बड़ा सा स्लीपिंग बैग बना दें. I had the idea that with the insulation you can make a sleeping bag. But I not only had the idea, I made it myself. यही किया जाता है. अगला दिन 12 दिसंबर. 2 महीने पूरे हो चुके हैं उस दिन से जिस दिन से ये क्रैश हुआ था. ये 3 बहादुर आदमी, पराडो, कनेसा और विजेंटिन, निकल पड़ते हैं बिना किसी माउंटेनियरिंग गियर के ग्लेशियर पर क्लाइम करने. The only certain thing was to the west was Chile.
वेस्ट की दिशा में जाने का मतलब था कि इन्हें पहले पहाड़ी के ऊपर जाना होगा नीचे जाने से पहले। इन्हें अभी भी लगता था कि ये सिर्फ कुछ किलोमीटर ही दूर है, तो इन्हें उम्मीद थी कि 2-3 दिन के अंदर ये चलकर मदद ढूंढ लेंगे। तो इन्होंने सिर्फ 3 दिन की मीट की सप्लाई पैक करी थी। And you can imagine, without any skill, without any training, you're like a child when you are confronted with a snow slope. You try to go straight up. You might be using your hands and your feet. You're slipping, you're sliding. And for every step that you go up, you slide back a half a step. पराडो ठंड से बचने के लिए 3 जीन्स एक के ऊपर एक पहने हुए थे, अपनी टी शर्ट के ऊपर 3 स्वेटर्स और पहनी थी, और पैरों पर उन्होंने 4 पेयर सॉक्स पहनी थी। उसके ऊपर एक प्लास्टिक शॉपिंग बैग भी लगाया था। ठंड की इतनी बुरी हालत थी, इनके पास कोई टेक्निकल गेयर नहीं था, कोई नक्शा नहीं था, कोई कंपस नहीं था, और ना ही कोई क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस था। और इतनी हाइट पर हवा भी काफी पतली हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये आगे बढ़ते रहे पहाड़ी की ओर। इन्होंने स्टिच करके जो अपना स्लीपिंग बैग बनाया था वो रात में काम आता है, दिन में ये धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे। ये तीनों उस एक स्लीपिंग बैग में एक दूसरे से जितना करीब रह सकें उतना करीब रहकर सोते थे, और सूरज के निकलते ही ये चलना शुरू कर देते। धीरे धीरे कदम से कदम मिलाकर ये आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, और चौथे दिन की सुबह इन्हें रियलाइज होता है कि इनकी एस्टिमेशन कितनी गलत थी। आगे इन्हें दिखता है कि ये रास्ता तो खत्म ही नहीं होता। खाने की कमी की वजह से विजेंटिन डिसाइड करता है कि वो वापस मुड़कर क्रैश साइट पर चला जाएगा, और बचे हुए 2 लोग ही आगे बढ़ेंगे ताकि खाने की कम जरूरत पड़े। 15 दिसंबर विजेंटिन अपना रास्ता वापस ले लेता है, जो कि बहुत ही आसान रास्ता होता है क्योंकि ये सारा डाउनहिल था। वो एयरक्राफ्ट की सीट को एक स्ले की तरह इस्तेमाल करता है, और 1 घंटे के अंदर वो क्रैश साइट पर वापस पहुंच जाता है। इस पहाड़ी को चढ़ने में इन्हें 3 दिन लगे थे, और सिर्फ 1 घंटे में ये वापस क्रैश साइट पर पहुंच गया। पराडो और कनेसा आगे बढ़ते रहते हैं, पहाड़ी चढ़ते रहते हैं। 3 घंटे बाद ये पहाड़ी की पीक पर पहुंचते हैं, और इन्हें दिखता है कि चारों तरफ सिर्फ बाकी दूर दूर तक पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। आसपास बर्फीली पहाड़ियों के अलावा कुछ नहीं है। I couldn't breathe, I couldn't speak, I couldn't even think, because what we saw was horrible. Instead of green valleys, we saw mountains and snow-covered peaks 360 degrees around us, to the horizon all around us. पराडो बड़ी मुश्किल से कोशिश करते हैं ढूंढने की कि कुछ तो और दिखाई दे। फिर दूर वेस्टर्न होराइजन में इन्हें दिखता है कि 2 पहाड़ियों की चोटी है जहां पर बर्फ नहीं है। ये अंदाजा लगाते हैं कि हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी। पराडो और कनेसा कई दिन तक हाइकिंग करते रहते हैं, करते रहते हैं। फाइनली ये एक वैली में पहुंचते हैं, एक ऐसी वैली जहां पर इन्हें नदी बहती हुई दिखाई देती है। ऐसी सिचुएशन में नदी तक पहुंचना एक बहुत बड़ी राहत की चीज थी, क्योंकि नदी की डायरेक्शन में ट्रेवल करते करते डाउनहिल रास्ता मिलना आसान था। ये चलते रहते हैं, ये चलते रहते हैं, और फाइनली 9 दिन तक ट्रेकिंग करने के बाद 20 दिसंबर को इन्हें इंसानों की कुछ प्रेजेंस दिखाई देती है, खेतों में कुछ गाय दिखाई देती है। ये इतना थक गए थे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि इनसे आगे अब बिल्कुल नहीं चला जा रहा था, और तभी नदी के दूसरे किनारे And Roberto said, "Look, Nando, a man on a horse." घोड़े पर बैठे 3 लोग दिखाई देते हैं। पराडो चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नदी का शोर इतना ज्यादा है कि उन तक आवाज पहुंच नहीं रही है। लेकिन बाय चांस उनमें से एक इंसान पराडो और कनेसा को देख लेता है, और उनकी तरफ देखकर वापस चिल्लाता है, "Tomorrow." वो ये कहता है कि मैं कल दोबारा आऊंगा। अगले दिन वो आदमी घोड़े पर बैठकर दोबारा आता है, और इस बार अपने साथ कुछ पेपर और पेंसिल लेकर आता है। वो इस पेपर को पत्थर और पेंसिल के साथ अटैच करता है एक धागे के जरिए, और नदी के दूसरे किनारे की ओर फेंकता है। पराडो को पहली बार मौका मिलता है अपना संदेश बाकी दुनिया तक पहुंचाने का। पराडो इस पेपर पर लिखते हैं स्पेनिश भाषा में, "I come from a plane that fell in the mountains." मैं यूरुग्वाय से आया हूँ, हम 10 दिन से पैदल चल रहे हैं, मेरे घायल दोस्त प्लेन की क्रैश साइट पर मौजूद है।
हमें जल्दी से मदद की जरूरत है, लेकिन हम नहीं जानते कैसे मदद मिलेगी। हमारे पास कोई खाना नहीं है, हम कमजोर हैं, हमारे पास चलने की भी हिम्मत नहीं बची। प्लीज हमें बचा लो, हम कहां पर हैं। दूसरी तरफ इस संदेश को रिसीव करने वाला आदमी एक चिली देश का किसान था, सर्गियो काटालान। वो इस नोट को पढ़ता है और उन्हें इशारों से समझाता है कि मैंने समझ लिया। अपने बाकी दोनों साथियों के साथ बात करने के बाद उसे पता चलता है कि हाँ, कुछ याद तो आ रहा है। कुछ 2 महीने पहले एक खबर में मैंने सुना था कि एक प्लेन क्रैश हुआ है। और जब इन साथियों को रियलाइजेशन होता है तो ये शॉक्ड रह जाते हैं। इन्हें यकीन नहीं होता कि 2 महीने पुराने प्लेन क्रैश से अभी भी कोई जिंदा बचा है। सर्गियो ब्रेड का टुकड़ा फेंकते हैं नदी के दूसरी ओर और अगले 10 घंटे तक लगातार ये घोड़े पर बैठकर वेस्ट की डायरेक्शन में दौड़ने लगते हैं। इंसानों के किसी भी गांव या बस्ती से ये इतने दूर थे अभी भी। फाइनली जब ये सबसे करीब के शहर में पहुंचते हैं तो ये खबर वहां के आर्मी कमांड को बताई जाती है, जो सांटियागो में मौजूद आर्मी के हेडक्वार्टर्स को कॉन्टैक्ट करते हैं। इसी बीच ये किसान पराडो और कनेसा को घोड़े की मदद से लोस माइटेनिस शहर में लेकर आते हैं, जहां पर इन्हें फाइनली कुछ रेस्ट मिलता है। पता चलता है कि अपनी उम्मीद के बल पर पिछले 10 दिनों में ये 61 किलोमीटर पैदल चल के हाइक किए थे। कनेसा अपना आधा बॉडी वेट लूज कर चुके थे, सिर्फ 44 kg इनका वेट बचा था। जैसे ही इनकी कहानी के किस्से बाकी लोगों को पता चलते हैं, ये इंटरनेशनल खबर बन जाती है। ¿Cómo pudieron sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Bueno, sobre el tema. ये दिल दहला देने वाली कहानी सही मायनों में अनबिलीवेबल थी। चिली की एयरफोर्स 3 हेलीकॉप्टर्स भेजती है इमीडिएटली रेस्क्यू करने के लिए। आर्मी ऑफिसर्स पराडो और कनेसा को इंटरव्यू करते हैं लोकेशन की इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए। पराडो अपने साथ पायलट का फ्लाइट चार्ट लेकर आए थे और वो नक्शे में नाप रहे थे कि वो कहां कहां हाइक कर रहे थे। आर्मी ऑफिसर्स उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाकर लेकर जाते हैं ताकि क्रैश साइट को लोकेट किया जा सके, और उनकी मदद से बचे हुए सर्वाइवर्स की लोकेशन फाइनली पता चलती है आर्मी कमांडर्स को। 22 दिसंबर 1972, 70 दिन बाद क्रैश के, 2 हेलीकॉप्टर्स सर्च एंड रेस्क्यू के फाइनली पहुंचते हैं बचे हुए सर्वाइवर्स के पास उनकी जान बचाने के लिए। टोटल में 16 सर्वाइवर्स यहां रेस्क्यू किए जाते हैं। बहुत बुरी हालत थी इन सर्वाइवर्स की, ऑल्टीट्यूड सिकनेस, डिहाइड्रेशन, टूटी हुई हड्डियां, मैल न्यूट्रिशन, लेकिन सब के सब रिकवर कर जाते हैं। ये कहानी दुनिया के सामने लेसन है उम्मीद को लेकर। अगर आपने ठान ली कुछ कर दिखाने की और आपके अंदर सब्र है और इंसानियत है, तो क्या कुछ करना नहीं पॉसिबल है। आप चाहें तो ऐसी चीजें अचीव कर सकते हैं जो आप कभी सपनों में भी नहीं सोच सकते। वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इसलिए इस डिजास्टर को एक और नाम भी दिया जाता है, द मिरेकल ऑफ द एंडीज। वीडियो पसंद आया तो मैंने कई और वीडियोस बनाए हैं ऐसे ही प्लेन क्रैशेस की कहानियों पर, जैसे कि ये वाला जो इंडिया का सबसे भयानक प्लेन क्रैश था, यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।